जिस परिवार का मुखिया ही अन्याय होने पर भी धृतराष्ट्र और पितामह भीष्म की तरह मौन रहे ना, उस परिवार में महाभारत का होना तय है। क्योंकि परिवारों को संभाल कर रखने की पहली जिम्मेदारी परिवारों के बड़ों की होती है, और उसके लिए परिवारों के बड़ों को सही और गलत को गलत कहना होगा। नहीं तो अच्छा खासा खुशहाल परिवार भी है ना, नरक की तरह नजर आने लगता है जब महाभारत घर में शुरू होती है। आज अपने पैर मजबूत करने के लिए लेग वर्कआउट, और ये लेग वर्कआउट कैसा, क्वाड स्पेसिफिक लेग वर्कआउट, मतलब कि एक्सरसाइजेस उस हिसाब से की जाएंगी कि मैक्सिमम मसल एक्टिवेशन अपना क्वाड्स के ऊपर आए। इसका मतलब ये बिल्कुल ना सोचे कोई कि ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग और काव्स पर कोई असर नहीं आएगा, उन पर भी बराबर थोड़ा बहुत असर आएगा, पर मैक्सिमम मसल एक्टिवेशन अपना क्वाड्स में होगा। अब मेजोरिटी ऑफ द केसेस में होता क्या है कि किसी बाहरी व्यक्ति की एंट्री होती है परिवार में, और होती किसके थ्रू है, परिवार के मुखिया या बड़े के थ्रू। जब सब ठीक चल रहा होता घर में, एकदम जब पीक टाइम होता है खुशियों का, खुशियों के पीक टाइम में ये बाहरी व्यक्ति किसी ना तो किसी तरीके से घर में घुसता। और ये होता कौन है, ये मैक्सिमम केसेस में वो व्यक्ति होता है, या तो दूर की रिश्तेदारी वाला होगा, या फिर ऐसा व्यक्ति होगा कि परिवार के जो बड़े होते हैं ना, इनका किसी तरीके से प्रोफेशनलिज्म में साथी रहा हो, या दोस्त रहा हो, या यार रहा हो, या पड़ोसी हो, ऐसे। ये एंट्री करता है घर में, फिर ये क्या करता है, जो इसके बुरे आचरण होते हैं ना इस बाहरी व्यक्ति के, इसे अपने परिवार से तो कोई मतलब होता नहीं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ये इसका माइंडसेट एक ही रहता कि भाई इनके घर में किसी तरीके से फूट डलवाऊं और अपनी वाहवाही और करवाऊं, उसी से जिसके थ्रू मैं इस परिवार में घुसाऊं, यानी परिवार के बड़े के थ्रू। ये आपको उसके बाद बता रहा हूं, जो बिहारी व्यक्ति बाहर का व्यक्ति घर में आग लगाता, ठीक है। अब घर में एक आध या सब भी हो सकते हैं, ऐसे सदस्य होते हैं जिनका मन एकदम साफ हो, जो किसी का बुरा नहीं सोचते, सबका भला चाहते हैं और सत्य बोलते हैं, एकदम कहते हैं ना खालिस व्यक्ति, यानी कि शुद्ध व्यक्ति, शुद्ध विचारों वाला, सच्चे मन का, जो किसी का दर्द सहन नहीं कर सकता। परिवार में एक जना ऐसा भी होता, एक क्या, मैं तो कहता हूं मैक्सिमम होने चाहिए ऐसे, पर एक आध जना ऐसा भी होता जिसको पता हो जाता है कि अब कुछ गलत होने वाला मेरे घर में इसके थ्रू, बाहरी व्यक्ति की वजह से मतलब। अब उसको जब ये पता प्रतीत होने लगता है कि मेरे घर में कुछ गलत होने वाला, फिर वो क्या करता, उस बाहरी व्यक्ति का ना विरोध करना शुरू करता, और अपने घर वालों को भी समझाता कि देखिए ये गलत है, ये हमारे घर में लड़ाई करवा रहा है, ये अपने बुरे आचरण भी अपने साथ घर में ले आया। होता यूं है कि अगर वो शराब पीता होगा ना, तो परिवार में किसी न किसी तरीके से शराब घुसा देगा, परिवार के बड़ों को शराब पिलाएगा, ठीक है, और उसके जो बुरे आचरण होंगे उनकी एंट्री करवा देगा, और उस टाइम वो खेल खेलता, उस टाइम वो ब्रेन वॉश करना शुरू करता परिवारों के बड़ों का, मुखियाओं का। क्योंकि शराब ऐसी चीज है, इतनी बुरी चीज है, ये ना घर उजाड़ देती है लोगों के, ये बसाती नहीं है, इसका कोई फायदा नहीं है आज तक। लोग कहते हैं ना कि एक पैक हेल्थ के लिए बहुत अच्छा, कुछ अच्छा नहीं है, ये सर्वनाश का पथ है शराब तो, सबसे बड़ा दुनिया का। और ये मैं दूसरी एक्सरसाइज पे आ गया, लेग प्रेस। अभी लेग प्रेस कैसे है ना, जो प्लेटफॉर्म होता अपना, इस प्लेटफॉर्म पर एकदम नीचे मेरे पैर प्लेस्ड हैं, नीचे एकदम पैर प्लेस्ड हैं, और थोड़ा सा वाइड खोल रखे हैं पैर, थोड़ा सा, कितना वाइड, शोल्डर रेंज से थोड़ा अंदर, पर एकदम क्लोज नहीं, हल्का सा वाइड, और वेट सेम ही रखूंगा सारे सेट्स में, पर मैक्सिमम रैप्स निकालने की कोशिश करूंगा, 10 से 15 रैप, वेट एक ही रखूंगा, ज्यादा हैवी वेट नहीं है ये, 90 kg वेट है, इससे सारे रैप निकालूंगा। तो ये जो साफ मन का इंसान होता है ना परिवार का, चाहे वो बेटा ही मान लो, आप बेटा है, वो सबसे बड़ा बेटा है परिवार का,
उसके मन एकदम साफ है, वो किसी का बुरा नहीं चाहता, वो किसी को बुरी वाणी नहीं बोल सकता, वो भगवान के प्रति लगाव है, उसका अपने माँ बाप के प्रति लगाव है। वो जब विरोध करना शुरू करता ना उस बाहरी इंसान का, बाहरी व्यक्ति का जो घर में लड़ाई करवा रहा, आग लगवा रहा, होता क्या है कि उसी का उल्टा विरोध होना शुरू हो जाता उस बेटे का, घर के जो सही विचार वाला बेटा, उसी का विरोध होना शुरू हो जाता जो मेन कारण होता घरों में लड़ाई का, परिवार में लड़ाई का, कि जो ठीक बोलता है ना उसके खिलाफ सारे हो जाते हैं उसके अपने ही। और ये स्थिति जब आ जाती है ना घर में, जब इतना धोखा, मेन धोखा तो यही हो गया भाई, अपने ही अपने नहीं हो रहे और बाहर वाले की बात मान रहे हैं, ये सबसे बड़ा धोखा होता इस दुनिया का, इस संसार का, इस जन्म का। फिर ये बहुत तोड़ देता उस घर के बेटे को ना, जो खालिस विचार वाला, बहुत तोड़ देता मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, क्योंकि प्रेम उसे मिलता ही नहीं फिर घर में। प्रेम नहीं मिलता तो कई बार ऐसा होता कि ये जो ऐसे लोग होते हैं जैसे मैंने अपने उस अच्छे बेटे का एग्जाम्पल दिया, ये कई बार ऐसा होता बुरे पथ पर चल पड़ते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। और कभी कभार ऐसा होता कि प्रेम जो मिलना चाहिए ना घर में, वो घर के बाहर ढूंढने लगते हैं, जो कि ठीक है, पर असल प्रेम तो वही है जो पहले अपने परिवार से मिले, क्योंकि इन जीवन की शुरुआत तो वहीं से होती है। तो नहीं, ये बहुत बेकार सिनेरी हो जाता, ये घर में लड़ाई करवाने वाला व्यक्ति ना फिर उस अच्छे बेटे के खिलाफ करने लगता उसके माँ बाप को, कि जी आपका कभी साथ नहीं देगा, ये आपके साथ नहीं रहेगा, ये तो आगे चलकर आपको घर से बाहर निकाल देगा, आपका बुढ़ापा नाश कर देगा। अब आप एक बात बताएं, जो किसी का बुरा चाहता ही नहीं, जो अपने माँ बाप से इतना प्रेम करता है, वो भला अपने माँ बाप के बारे में ऐसा सोचेगा? अरे ऐसे लोग जो होते हैं ना, जो किसी का बुरा नहीं सोचते, भगवान का जप करते रहते हैं, किसी को बुरी वाणी नहीं बोल सकते, अपने माता पिता से प्रेम करते हैं, वो कभी अपने माँ बाप के बिना रह नहीं सकते। ऐसे बेटे अकेले में बहुत आंसू बहाते हैं, क्योंकि उनकी कोई सुनने वाला नहीं होता, सिर्फ भगवान जी के, सिर्फ भगवान जी होते हैं उनके जो उनकी सुन सकते हैं, उनके आंसू देखने वाले भगवान जी होते हैं, पर वो ना किसी को अपने आंसू दिखाता नहीं, क्योंकि अब देखने वाला रहा ही कौन। जब घर के बड़े उसके खिलाफ हो गए, उनके सामने रोए, रो भी देगा तो परिणाम कुछ मिलना नहीं, क्योंकि होता ऐसा है ना आजकल युग ऐसा आ गया कि बुराई आजकल अच्छाई बन चुकी है, और जो अच्छाई है ना वो बुराई बन चुकी है, जो कि बहुत गलत है। आप एकदम साफ विचार वाले व्यक्ति हो ना, खालिस व्यक्ति, गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं खालसा व्यक्ति, और ये सारी दुनिया गलत है, तो ये सारी दुनिया असलियत में गलत ही है, आप गलत नहीं हो, पर ये दुनिया ना आपको गलत बता देगी, जो कि मैं नहीं मानता। मेरा भी यही विचार है कि अगर दुनिया में 100 व्यक्ति है ना और 101 वे आप हो, आपके विचार एकदम साफ सुथरे शीशे की तरह, पानी की तरह, तो आप ही सही हो। ये 100 व्यक्ति दुनिया के खराब हैं, दुनिया खराब कर रहे हैं, यानी कि ये समाज गंदा है। जो 101वां खालिस आदमी है ना, शुद्ध विचार वाला, वो ही ठीक है। ये लेग एक्सटेंशन मिड हैवी वेट के साथ है, ज्यादा हैवी वेट नहीं, और इस पे मैक्सिमम रैप्स निकाल रहा हूं 15 से 20। ये देखिए मैंने फिंगर भी लगा रखी है अपने क्वाड्स पे, क्वाड्स को फील करने के लिए, क्वाड्स मसल लेग एक्सटेंशन पर बहुत अच्छे से फील होती है, आइसोलेशन एक्सरसाइज है ना, इसीलिए इस पे वेट भी लाइट लगाना चाहिए, ज्यादा हैवी नहीं, और मैक्सिमम रैप्स निकालनी चाहिए जब ही पता चलता। तो ऐसी महाभारत की कहानियां है ना जैसे मैंने अभी बताई, ऐसी कॉमन हो चुकी है आजकल परिवारों में बहुत ज्यादा, तभी तो ये फ्रस्ट्रेशन इतनी बढ़ती जा रही है समाज में। लोग घरों पे रुकने को ही नहीं तैयार, क्योंकि घर का माहौल नरक बन जाता है एकदम इन लड़ाइयों के चलते।
अब ये जो बाहरी व्यक्ति मैं बता रहा हूं ना, जो लड़ाई करवाता घर में, आग लगवाता घर में, ये ऐसा समय लिया था, इसकी वजह से ऐसा समय आ जाता है कि वो ना जहर जो भर देता माँ बाप के अंदर, घर के बड़ों के अंदर, वो एकदम विकराल रूप धारण कर लेता। इतना विकराल कि जिस बेटे को उन्होंने जन्म दिया ना, वो बेटा ही उन्हें दुश्मन नजर आता। अब वो बेटा बेचारा जाए कहाँ, किस कौन है उसका उस दुनिया में सिवाय भगवान जी के। ये अपनी लास्ट एक्सरसाइज है, वाइड स्टांस के साथ लेग प्रेस। इसमें भी सेम, अपने पैर प्लेटफॉर्म पर थोड़ा वाइड खोल कर रखें और नीचे की साइड एकदम, और नीज लॉक नहीं करने बिल्कुल भी। और लाइट वेट है ये, 70-75 kg वेट है, और इस पे मैक्सिमम रैप्स स्लो टेम्पो के साथ। जितने भी सेट मार रहा हूँ उसमें सब में सेम वेट ही है, कोई ज़्यादा हैवी वेट नहीं लगा। ये है ना एडक्टर मसल्स जो होते हैं लेग के, इनर थाई जिसको बोल देते हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छी है। तो ये वो बेटा जो होता ना परिवार का, जो अच्छा बेटा होता, देखो अच्छे तो सभी बेटे होते हैं, तो हालात उन्हें बुरा बना देते हैं। तो ऐसे हालात ही है ना, कभी कभी उन्हें बुरा बना देते हैं, और वो बुरा भी नहीं बनता ना, तो वो एकदम टूट चुका होता, अकेले में रोता, वो आंसू उसके अकेले में निकलते हैं और भगवान जी के सामने निकलते हैं। तो भगवान जी से भी यही प्रार्थना है मेरी कि ऐसे बेटों को जल्दी से जल्दी उनका परिवार वापस मिल जाए, क्योंकि परिवार तो छिन जाता है ऐसे। और जो वो घर में लड़ाई करवाने वाला बाहरी व्यक्ति है ना, घर के बड़ों को उसका एहसास हो जाए कि ये हमें हमारे बेटे के खिलाफ भड़का रहा था, हमारे बेटे के खिलाफ हमारे मन में जहर भर रहा था, इस चीज का एहसास हो जाए घर वालों को।